नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दूसरे का इंस्टाग्राम स्टोरी अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे कैसे लगाते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी का भी इंस्टाग्राम का स्टोरी अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे लगाना चाहते हैं, अगर वह सॉन्ग के साथ लगाया हुआ है तो आप भी सॉन्ग के साथ लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जिसका भी इंस्टाग्राम स्टोरी आपको अपने स्टोरी में लगाना है, सिंपल आपको उसके इंस्टाग्राम के स्टोरी पे क्लिक करना है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर यह इंस्टाग्राम स्टोरी लगाया हुआ है, तो इसका स्टोरी हम अपने स्टोरी पे लगाना चाहते हैं, तो इसके स्टोरी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा या आपको नीचे में एक सेंड का ऑप्शन मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन में से आपको क्या करना है कि किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए नीचे में जो सेंड का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहीं पर भी दूसरे का इंस्टाग्राम का स्टोरी अपने स्टोरी पे लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि नीचे में आपको एक कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेना है। बहुत सारा लोग यहाँ पर आपको कुछ अलग तरीका से बताएंगे, कहेंगे कि यहाँ पर उसको सेंड कर लेना है, वहाँ पे यह करना है, वह करना है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। तो चलिए हमारे फ़ोन में क्रोम है तो क्रोम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ से इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको नीचे में एक सेव इंस्टा का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर आपको एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो भी लिंक को कॉपी किए हैं यहाँ से उस लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड को क्लोज कर देना है। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कट करना है। कट करने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो यहाँ से यह स्टोरी आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अगर यहाँ पर वह सॉन्ग के साथ होगा तो सॉन्ग के साथ डाउनलोड होगा, अगर केवल फ़ोटो होगा तो यहाँ पर केवल फ़ोटो डाउनलोड होगा। अब आपको यहाँ से इसको कट करना है और रिसेंट से सारे चीज़ को हटा देना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको योर स्टोरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी स्टोरी को डाउनलोड किए हैं यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि योर स्टोरी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से वह जो स्टोरी है वह आपके स्टोरी पर लग जाएगा। अब यहाँ से चेक करने के लिए आपको योर स्टोरी पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप दूसरे का इंस्टाग्राम का स्टोरी अपने स्टोरी पे लगा सकते हैं। धन्यवाद।